राम राम सभी को। कैसे हो यूट्यूब फैमिली? बढ़िया होंगे आशा करते हैं, सब कुशल मंगल होंगे और आपको हमारे ब्लॉग में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप देखिए रीना ने सूट सिला, इसका रश्मि का सूट सिला है, बताना कैसा लगा। ठीक है जी, हमारे ब्लॉग देखना। मुझे छोड़ के जल्दी आ जाना, पर मैं मन नहीं लगने का। हम तो जा रहे जाके मारा, तुम आज हमारे संग सोई नहीं थी। ऐसा मत करो। तो अभी मशीन अंकल जी के मशीन करवाई रहे हैं हम, ठीक। और देखना ये वाली दुकान है, और आपको इस बाजार का आपको पता ही है, फेमस बाजार है, क्योंकि यहाँ से दो जो हुनर हैं बच्चे यहाँ से निकले हैं। तो पहले तो हमारी फ्रंडा शिवानी फ्रंडा राइट साइड में रास्ता जा रहा है, लेफ्ट साइड में राधा दीदी जो है उनका जा रहा है, और उन्हीं की बिटिया जो तुम्हें पता है रश्मि अधियारी है, वो भी यहाँ फेमस हुई है। तो भाई जाना माना गाँव हो गया अभी, क्या कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो यहाँ पे कुछ अच्छा लग रहा है और स्टार निकल रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ सब कोई ना कोई आता रहता है। तो हम भी इस तरह आए थे, मुझे सिलना था उसका सूट रश्मि का, तो इसलिए मैं मशीन लेकर के आई हूँ। मशीन में थोड़ी गड़बड़ हो रही थी, मैं ठीक करवाने के लिए यहाँ पे आई हुई एक लेडीज एंड जेंट्स टेलर्स के पास में। तो अंकल ने मशीन ठीक कर दी है फिलहाल, अभी लेते हैं मशीन। तो ये हमारे अंकल जी हैं, ये देखे, और यहाँ पे सिलाई, यहाँ पे कपड़े भी मिलते हैं और मशीन भी मिलती है, मशीन ठीक भी होती है। तो जिसको भी आना हो यहाँ पे आ सकते हो, आपको फेमस जगह का पता चली गया है। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पे नहीं, मशीन सही कराने आया भाई, जड़ा तो चला गया। हाँ, धूप निकल रही है, टी शर्ट मैंने चेंज कर किया, कैसी लग रही है आप सब लोग कमेंट में बताना। ये दादा दीदी हमारे यहाँ इतनी भोलेपन में बैठी है, देखो बात कर रही है इधर मशीन लेकर के, मशीन ठीक कराओ ठीक कराओ ठीक कराओ, ये ऐसी कर रही है, मशीन ठीक हो गई है। पड़ोस की दुकान का इतना फायदा होता है। तो देखो गाइस, मशीन अभी लेकर आए थे और 5 मिनट में मशीन ठीक होने में नहीं लगी, 5 मिनट अंकल ने मशीन ठीक कर दी। तो ये होते हैं रिश्ते, क्योंकि पड़ोस का मामला है सबसे बड़ी बात पहली बात, तो दूसरी बात अंकल का जो नेचर है बहुत अच्छा है, अपना उस तरह का काम छोड़ा सिलाई का, तुरंत हमारी मशीन ठीक करके दी। तो ऐसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं, वरना क्या करते घुमाते, कल लेना परसों लेना ऐसे करके, लेकिन अंकल ने हमारी मशीन तुरंत साथ से दे दी। तो अब हम सूट सिलेंगे, आपको दिखाएंगे कि हमने किसका सूट बनाया, कैसा बनाया। तो आप कमेंट करके बताना कि मैंने सूट कैसे सिला, ठीक है। बने रहना लास्ट तक, अच्छे अच्छे कमेंट करना और बताना कि सूट कैसे सिला, बाकी तो वीडियो में पता चलेगा, ठीक है। हमारी रश्मि जी का, और रश्मि आपको पहन के दिखाएगी अभी, वो हम दिखाएंगे बाद में। तो अभी मैं सूट आपको दिखाने वाली हूँ बस, और अभी हम दादा दीदी जा रही है किसी काम से बाहर, मुझे छोड़ के जल्दी आ जाना, पर मैं मन नहीं लगने का। हम तो जा रहे जाके मारा, तुम आज हमारे संग सोई नहीं थी। ऐसा मत करो, कहाँ सोई थी। तो मिलवाते हैं हम अपने अंकल जी से, मिस्त्री जो है हमारे जिन्होंने मशीन ठीक की है अभी। तो बोलिए अंकल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा नाम रंजन लाल है और हमारी हरियाली बाजार में दुकान है, यहाँ छोटी घरेलू मशीन अम्ब्रेला पीको ओवरलॉक कैसी भी बिगड़ी हो ठीक हो जाती है। इंटरलॉक भी होती है, यानी जो कपड़े में संदर सिलाई होती है ना, इंटरलॉक वो भी होती है, पीको भी होती है, वो मशीन आपने बताई है ठीक होने के लिए, और रील वगैरह भी मिलती है ना। हाँ, तो सभी सारी चीजें हैं मशीन का, क्योंकि कपड़े सिलने भैया वो जरूरी होती है चीजें, क्योंकि उधरा फटा जो भी कुछ है मशीन ठीक होनी है जो भी, यहाँ होती है, तो आप यहाँ पे जरूर आना। A to Z काम होता है सिलाई के मशीन और सिलाई के मामले में। तो भाई गाइस, अंकल जी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे से हमारी देखो मशीन ठीक करी है, पर इनको पास में है दादा दीदी के पास में घर पड़ता है इनका, बल्कि पहले जैसे हरियाली में आओगे ना आती सबसे पहला घर इन्हीं का पड़ता है, जो ये बीच में चौराहा से इसको बोलते हैं क्या, चोपला, ये हरियाली तिराहा है, हरियाली इसमें मार्केट भी लगती है, बाजार है बिल्कुल, तो बिल्कुल मेन उस पर आ रहा था, कहीं ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। तो मैं ये वीडियो डालूंगी, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट करना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करना, ताकि अंकल का काम और जल्द से अच्छा चल पाए, ठीक है। टाटा बाय बाय, राम राम सभी को, नमस्कार, बाय कर दो। हाय, आपने देखा कि रीना ने रश्मि का सूट सिला, कैसा लगा आपको बताना है। जो नए जुड़े हमारे चैनल पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के राम राम, बाय, टाटा।